Yesterday evening, Universal India Awards 2022 were conducted, which was filled with Bollywood and television stars who walked the red carpet. Prateek Babbar, Akanksha Puri, Sudhanshu Pandey, Myra Mishra, Naira Banerjee, Bandaki Kalra and many others were amongst the all who got spotted at the award function. India's gold man was also spotted in this event. Vishalini, well, I'm enjoying the show is coming to an end. 100 episodes getting over. We got another extension for 20 more episodes. We will continue on Voot, and very excited to be on Voot because we are number one on Voot, and it's a great feeling. Top three way, I think Tina for sure, Shiv also, and maybe Shali, Sajid ji. Not top three, I'm telling you top five. And one more thing. Thank you, brother. Very grateful, very happy that people are appreciating what the characters and the film. Very humble, very happy. I believe मुझे nomination मिला है most popular category, most popular actor on television पे तो let us see. Yes. I'm very happy that at least I'm nominated. Yes. हम सब actors हैं और हम लोग award functions के लिए काफी excited रहते हैं हमेशा. Especially जब आप nominated होते हो तो it's even better. हाँ awards night होते हैं तो excited ही होते हैं और मैं बहुत ज़्यादा तो जाती हूँ पर जब जाती हूँ तो मैं बहुत excited होकर जाती हूँ. हम लोग एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हैं जी टीवी के, बिकॉज इट्स एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट. आपको पता ही होगा अब जितने भी बड़े चैनल्स हैं वो अपने मेजर एक्टर्स के साथ एक्सक्लूसिविटी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब तक है तब तक है, उसके बाद फिर OTT होगा. मेरे मैं OTT ज्वाइन करूँगा. मेरा ड्रीम था 5 सालों से. सबसे पहले तो मैं बिग बॉस को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ कि हमें इनवाइट किया था. थोड़ा आगे वहाँ पर, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इसलिए मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला था बिग बॉस में जाने से. बहुत बड़े फैन भी है सलमान भाई के, और बहुत बड़े फैन भी हम लोग सलमान भाई के, और सलमान भाई की वजह से हमको मौका भी मिला है बिग बॉस में आने का. ब्लैक सूट्स ऑन यू. Really? Yes. I hope ये मेरे स्टाइलिस्ट भी सुन रहे हैं. अभी मैं ब्लैक ज्यादा पहनूंगी आउटफिट के लिए, और मैं अपनी टीम को लेके बहुत लॉयल हूँ. मैं कभी चेंज नहीं करती, तो हेत भी है जो मुझे सालों से स्टाइल कर रही है और आगे भी वही करेगी, तो उन्हीं का आउटफिट रहेगी. आज की शाम के लिए मैं आई थिंक हम लोगों को काफी एक छोटी सी वर्कशॉप तो मिली गई है मेरे आने से पहले, तो नॉलेज तो हमें मिल ही गया है कि अवार्ड फंक्शन क्यों होते हैं, तो वी नो इट वेरी वेल. बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम लोग यहाँ पे हैं, एंड बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं आजकल, तो यू नो कोई अगर एक रह भी जाए तो दूसरे में हम लोग आ जाते हैं. तो पर इट्स ऑलवेज एन एनकरेजमेंट जब एक आर्टिस्ट को अवार्ड मिलता है, पता लगता है कि हाँ आप सही ट्रैक पे हैं, सही जा रहे हो. तो आई थिंक ये एक जरूरी होता है. तो ये रूमर है, कौन है ये लोग जो ये ब्रेकअप होने के लिए? आई थिंक पहले एक हम लोग ने हमेशा से बहुत क्लियर रहे कि हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं और हमेशा से रहे और आगे भी उसी फ्रेंडशिप को ही कंटिन्यू करेंगे. तो ब्रेकअप होने के लिए आई थिंक पहले एक रिश्ता उस जैसा होना चाहिए. हम लोग ने एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले जोन में तो है नहीं, एंड दोस्ती इतनी गहरी है सालों से तो आगे भी रहेगी, उसमें तो कोई चेंजेस आएंगे नहीं. शायद रिश्ता थोड़ा सा डेवलप हो जाए किसी और चीज़ में, बट दोस्ती तो कभी नहीं होगी.